ये भाई RC 200 और 2016 मॉडल है ये। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं कितनी चली हुई है, तो ओडोमीटर मैं आपको दिखा देता हूँ उसका। सॉरी मैं गलत जगह भेजा हूँ, पहले इसका एड्रेस सेट कर देता हूँ भाई। ये टोटल चली हुई है 11,800 किलोमीटर। मीटर शायद का कुछ टाइम तक बंद भी था तो चीज़ बाद में देख लेंगे। 11,800 किलोमीटर चली हुई है फिलहाल, और इस मामले में बोली गई बॉडी कंडीशन बहुत सही कंडीशन में है, जस्ट बिकॉज ऑफ की RC टूटती बहुत है और इसमें कैसे दिक्कतें आ रही हैं। अभी मैं एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ तो ये देखो झटके ले रही है अपने आप से। मतलब RC के अंदर क्या है कि ये से फॉल्ट आते हैं, अब इसको वापस से माइलेज कर देते हैं। चलो 64 से माइलेज क्या निकाल रही है, माइलेज आपके सामने मीटर में ये रहा, 14 का माइलेज फिलहाल ये निकाल रही है शहर में। और रफ ड्राइव से कैसी है, रफ ड्राइव में थोड़ा सा अगर इसको कर रहा हूँ तो लीन बहुत अच्छी से हो जाती है RC, बट ओवरऑल इतना कॉन्फिडेंस RC 200 में नहीं आता, इतना 390 में आता है। 390 बहुत बेस्ट पार्ट है इसका। और भाई इतना और बोलो तो ये मीटर जो है ना इसका RC 200 के हिसाब से ये मीटर कुछ इतना खास नहीं है इसका, ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। मीटर तो CBR का भी अच्छा है और RS 200 का मीटर अच्छा है, बट डैशबोर्ड इतना कुछ खास नहीं है इसका भी। तो बजाज तो इन चीज़ों में फेल है ही। अब बात करते हैं बाकी इसमें दिक्कतें और क्या क्या हैं। फिलहाल मैं इसका हैंडल बार की वाइब्रेशन बताऊँ तो यार हैंडल बार में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं CBR चला रहा था तो CBR में इतने वाइब्रेशन छोड़ो, CBR में तो यार वाइब्रेशन ही नहीं है, बहुत कम वाइब्रेट करती है CBR, बहुत कम। बट ऑटो लोल प्रॉब्लम कहाँ रहती है CBR में, CBR के पार्ट नहीं मिलते, तो दिक्कतें कहीं ना कहीं सेम ही है। किसी के पार्ट मिलते हैं तो किसी में वाइब्रेशन हो तो किसी में कुछ, तो ये दिक्कत चलती रहती है। अभी और तरीका देखो, लो स्पीड पे फोर्थ गियर है तो झटके लेगी, बहुत बुरी तरह झटके लेगी। ये क्या है कि हीरो एक्सट्रीम 160 आ रहे जो उसमें चीज़ नहीं है, इन चीज़ें बहुत जगह पर इम्प्रूवमेंट भी इनके हुए हैं, बट बजाज और KTM नहीं करते हैं चीज़ों में इम्प्रूवमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ की दीज आर द स्ट्रीट रेसिंग बाइक और ये स्ट्रीट रेसिंग के लिए जानी जाती है, तो स्ट्रीट रेसिंग में कहीं से कहीं तक भी कोई यूज इनका होता नहीं है इतना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर लीन कर दूँ तो ऐसा लगा रहता है चूतिए लोग। अच्छा स्प्लेंडर वाले से चूतिए मिलेंगे जरूर आपको भी, जो ये सोचते हैं कि स्प्लेंडर है भूसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्प्लेंडर कराना गलत है, स्प्लेंडर वाले लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन बहुत से लोग स्प्लेंडर की फीलिंग है भूसा वाली लेंगे। देखो इस लोडू को, मतलब कहाँ वो 100 cc का झाट भाई तैयार का इंजन, वो कहाँ है 200 cc का इंजन। चलो गैस जो भी है अब गालियां बंद करते हैं। अब भाई मेन दिक्कतें क्या है, चैन सेट से बहुत ज्यादा आवाज आना, और मुझे लगता है कि RC 200 का चैन सेट में चलता भी नहीं है, बहुत से जल्दी जल्दी ख़राब हो जाए, 10-15 किलोमीटर पे ख़राब हो जाता है। मैंने लिक्विड भी डाल दिया इसमें, मैंने इसमें ग्रीसिंग भी कर ली, सब काम कर लिए, बट ओवरऑल सीन क्या है कि गया नहीं है। ये देखो मच्छर मारने की दवाई छोड़ती जा रही है बाइक, लेकिन शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये देखो उल्टे सीधे चलेंगे रोड पे, खींचना मेरे से अच्छी है RC, बट पिकअप तो वही CBR का ज़्यादा है, ऑब्वियसली जो आटा 250 cc में तो कुछ तो पिकअप होगा ही, ये चूतिए नहीं मानेंगे। CBR भाई RC इस मामले में बीस्ट है, वो स्ट्रीट रेसिंग में बहुत तेज है, और ऐसे ऐसे लोग भी खैर माने हैं सड़क के बीच चंडी पैदल चलने कोशिश करते हैं, गाड़ी मन करता है कि मैं तेज होता मारू बहन से लोगों,
ये देखो बिना अगर देखे मेन वाली की आई मुजफ्फरनगर तो यार आरसी जैसी बाइक का कोई मतलब बैठता नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ की मेरे अब हाथ में दर्द हो चुका इसी चलाते चलाते, तो इनका कोई मतलब ऐसा बैठता नहीं है। आप आरसी को चलाना कोई वो नहीं है यार, बहुत अच्छी चीज है। ये देखो मैं थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ हूँ तो मेरा हाथ देखो कितना पीछे है। तो यार ये चीज है ना, है आरसी में मेरी अभी तक हेलमेट मैंने पहना हुआ है, गोप्रो पहना हुआ, तो मेरी गर्दन दुख गई और गर्दन के साथ साथ मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पेन हुआ इस टाइम। तो यार ये चीजें हैं, इसलिए ड्राइविंग और तो आप हेलमेट पहन के ना आरसी पे जरूर दुखता है यार, हेड तो दुखता ही दुखता है।